ज ओपन जो, जो मैथ्स बुक्स एंड नोट बुसर नाइन पेज नंबर थर्टी सिक्स यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है टू फाइन दूब रूट ऑफ द फॉलोइंग ठीक है आपने क्यूब्रूट फाइन आउट करना है कि क्यूब्रूट है नहीं है आपका क्यूब रूट हम जब भी लेना होता है हम दो मैथर से करें लेकिन क्यूब रूट सिर्फ एक मैथड से करते हैं एल सी एम मैथड से ठीक है सेवन ट्वेंटी नाइन है हमें सेवन ट्वेंटी नाइन का एलसीएम लोग याद रहे हैं कि आपको एल सी एम में चेक करना है कि आपका थ्री थ्री का पेयर बन रहे हैं अगर थ्री के पेयर नहीं बन रहे तो इसका मतलब आप कहीं पर मिसटेक कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चन को दोबारा रीचेक करना है यहाँ पे मैंने तो सेवन ट्वेंटी को थ्री पे डिवाइड किया टू फोर्टी थ्री आ गया फिर टू फोर्टी थ्री थ्री को मैं थ्री पे डिवाइड करूँगी तो एटी वन आ जाएगा थ्री ए फिर एटी एटी वन थ्री थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू नाइन थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू वन तो मेरे बस तीन थ्री थ्री के दो पेयर्स बन गए अब मैं इसको रूट के अंदर लिखूंगी एल सी एम पी एफ को ठीक है और तीन तीन के पेयर बनाने स्केर में हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं क्यूब रूट में हम तीन तीन के पेयर्स बनाते हैं और क्यूब रूट में बाहर थ्री लिखा जाता है फिर क्यूब रूट मैंने डाला बाहर थ्री लिखा और थ्री एक दफा लिखे बाहर क्यूब डाल दिया मल्टीपाई थ्री क्यूब फिर मैंने इसको क्यूबरूट को खत्म करने का तरीका ये होता है कि थ्री क्यूब ब्रैकेट में लिखा जाता है और बाय वन बाई थ्री लिखा जाता है उसके का यूनिट भी मल्टीप्लाई थ्री क्यूब और बाय वन बाई थ्री 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 से क्रॉस थ्री थ्री से क्रॉस इसके बाद सिंपल है क्या थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो थ्री इंटू थ्री नाइन आंसर फिर मुझे क्वेश्चन थ्री में कहा फाइन द क्यूब वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर का क्यूब अब क्यूब का मतलब ये होता है वैल्यू तीन दफा मल्टीप्लाई और जैसे वन पॉइंट फोर लिखूंगी और बाहर लिखूंगी क्यूब वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई वन पॉइंट फोर पहले मैंने 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 1.96 फिर मैं 1.96 को डिवाइड uh, मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1.4 पॉइंट तो मेरे पास आंसर आ गया 2.744 तो ये आपके पास आस डेसिमल के बाद यहाँ भी एक नंबर यहां पे भी एक नंबर यहां भी एक नंबर तो वन प्ल वन टू टू प्लस वन थ्री तो टोटल थ्री नंबर तो लास्ट थ्री नंबर से पहले डेसीमल आएगा ठीक है तो आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ ट्वेंटी सेवन टू वन सिक्स अब याद रखिए फ्रैक्शन वाली वैल्यू में भी हमने जब स्कोर फाइंड आउट किया था हम मीटर का अलग करते थे और डीलो का अलग फाइंड आउट करते थे यहाँ पे आपका क्यूब रूट है फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो यहाँ पे भी एज इट इज वी होगा आपने ट्वेंटी सेवन का भी अलग फाइंड आउट करना है क्यूब रूट और टू वन सिक्स का भी अलग करना है ट्वेंटी सेवन का मैंने एलसीएम लिया थ्री टू नाइन ट्वेंटी सेवन थ्री इन टू थ्री नाइन थ्री टू वन थ्री इस बार टू वन सिक्स टू इंटू वन टू दो डिजी से आगे सिक्सटीन तो पहले जीरो लगाते दो डिजीजे फिर टू इंटू फिफ्टी फोर टू इंटू ट्वेंटी सेवन थ्री इंटू नाइन थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू वन यहाँ पे आप लास्ट ऊपर आपने पहले लिखा थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टी थ्री और बाहर क्यूब, क्यूब रूट क्यूब का क्यूब डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई टू मलिप्लाई टू मटपला थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री आपने पी एफ इसके रूट में लिख दिया भाई थ्री लिख दिया इसके बाद तीन तीन के पेयर ऊपर थ्री का एक पेयर आ गया क्यूब मैंने लिखा डिवाइड बाई टू का क्यूब नीचे और मल्टीप्लाई थ्री क्यूब दो पेयर बाद में और और इसके बाद थ्री क्यूब ब्रैकेट में और बाहर वन बाय थ्री फिर टू क्यूब और बाहर वन बाय थ्री मलबा थ्री क्यूब वन बाय थ्री 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 से क्रॉस थ्री थ्री से क्रॉस और थ्री इसका थ्री भी थ्री से क्रॉस इसके बाद थ्री सिंपल आएगा और नीचे आ गया टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री एज इट इज आ जाएगा और टू इंटू थ्री सिक्स इसके बाद लोएस्ट में क्या वन बाय टू आ गया थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू टू सिक्स ये ना भी गए तो ठीक है लेकिन वन बाय टू आंसर आ गया अब आप लोगों को एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव और टू पॉइंट नाइन की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है यही आप टेस्ट में आपके यही दोनों एक्सरसाइज इटली होने